सो वेनिस ये हम स्टेयर से ऊपर आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं अभी लिफ्ट में काम चल रहा है इसलिए हम स्टेयर से ऊपर आए हैं। और ऊपर आके आप देखेंगे तो यहाँ आपकी लिफ्ट रहने वाली है और आप जरा बाहर का एरिया देखिए, जो बाहर की आपको गैलरी मिलने वाली है कितनी स्पेशियस यहाँ पर आपको मिल रही है। एक फ्लोर पर आपको यहाँ पर जो है 4 यूनिट मिलने वाली है, जी हाँ सॉरी 4 नहीं, आपको 5 यूनिट मिलने वाली है एक फ्लोर पर। तो ये आपका बाहर का एरिया रहने वाला है, आपको बाहर के साथ LED लाइट मिलने वाली है और द्वारका मोड़ जैसे आपकी प्राइम लोकेशन मिल रही है। मेट्रो स्टेशन से जो आपका डिस्टेंस रहने वाला है वो 1 किलोमीटर का रहने वाला है। तो चलिए ये सारे डिटेल्स मैं आपको फ्लैट दिखाती हूँ, तो आ जाइए। तो फैमिलीज ये रहेगा आपका 100 गज बना हुआ 3 BHK सेमी फर्निश फ्लैट। तो एंट्रेंस आपने देख ही लिया है, ये आपको एंट्रेंस गेट मिल रहा है। अब एंटर करते हैं आप डोर का, अगर आप लुक देखिए तो पूरे लूमो वर्क के साथ आपको काम मिलेगा यहाँ पर। आई होप आपको जरूर पसंद आएगा, बट जब आप विजिट करेंगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आने वाला है, इसका स्पेस आपको समझ में आने वाला है, इंटीरियर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो तब आपको समझ में आएगा। विजिट करने जरूर आना, वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहना। सो ये आपने एंट्रेंस गेट देख लिया, एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ मिलता है आपको लिविंग एरिया। और मैं आपको कह रही हूँ एल टाइप का फ्लैट आपको मिल रहा है, इसे बार बार मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, मिनी सोसाइटी फ्लैट आपको मिलने वाला है। जी हाँ, मिनी सोसाइटी फ्लैट आपको मिल रहा है, एल टाइप का फ्लैट आपको मिल रहा है। और एक चीज और है वो बातें बताऊंगी आपको। सो ये आपको लिविंग एरिया मिलेगा और अब जरा एक बार आप पीछे वॉल पे काम देखिए, कितना ब्यूटीफुल तरीके से काम किया गया है, है ना अमेजिंग। कोई खर्चा करने की जरूरत है ही नहीं आपको, अलग से कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स लाने की, सीनरी लाने की, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तैयार करके दिया जा रहा है। अब सर यहाँ पर आप देखेंगे सामने, तो यहाँ आपको TV पैनल दिया जा रहा है, यहाँ आप आराम से अपना बड़ा सा LED लगा सकते हैं। So, यहाँ आप अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं, एल टाइप का वो सोफा सेट आ जाएगा, सेंटर में कॉफी टेबल आ जाएगी। और अब जरा इधर देखिए, अब फैमिली आप ये सोचिए ये एरिया किस चीज के लिए होगा। चाहे तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शंस रहने वाले हैं, चाहे तो आप यहाँ पर इसे मंदिर का स्पेस बना ले घर के अंदर, या फिर आप यहाँ पर अपना डाइनिंग टेबल लगा रहे हैं। आपको प्रॉपर स्पेस यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपको एल टाइप में कॉर्नर मिल रहा है, आप यहाँ मंदिर भी लगा सकते हैं और अपना डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं इजीली। यहाँ पर आपको 5 सीटर डाइनिंग टेबल इजीली यहाँ पर आने वाला है, और मंदिर भी चाहे तो आप कितना ही बड़ा मंदिर यहाँ लगा सकते हैं। सो आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। ये तो था आपका पूरा लिविंग एरिया, अब जरा एक बार आप फ्लोर सीलिंग देखिए। किचन का स्पेस जो आपको बिल्कुल सामने मिलने वाला है, अगर आप यहाँ डाइनिंग टेबल का लगाते हैं तो यहाँ आपको सामने आ जाता है आपको किचन का स्पेस। सो आपको सामने किचन मिल रहा है, आपको लंबाई में किचन मिलेगा, टाइलिंग का काम आपको मिल रहा है, हालांकि इसमें भी सिर्फ वाटर फिटिंग्स नहीं हुई है, बट वो भी बहुत जल्द हो जाए, छोटा मोटा फिनिशिंग का काम रहता है। टाइलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, टाइलिंग आपको प्रॉपर करके दी जा रही है। सेंटर में आपको चिमनी मिल जाएगी एंड देन वेंटिलेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शाफ्ट दिया जा रहा है, यहाँ आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा किचन के अंदर। और ये कैबिनेट आपको सारी एज यूजुअल यहाँ पर मिलने वाली है, तो कोई कमी नहीं है किचन के अंदर, सारी चीजें आपको परफेक्ट यहाँ पर मिल जाएगी। वेल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं वेंटिलेशन के और स्पेस के लिए, वो दोनों चीज आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। 100 गज बना 3 BHK एल टाइप का फ्लैट है, मिनी सोसाइटी आपको मिल रही है। अब से एक बार आप ऊपर देखिए तो ऊपर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाएगी, आपका किचन का स्पेस। अब बारी आती है हमारे तीनों बेडरूम्स की, मैं आपको तीनों बेडरूम्स दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉमन वॉशरूम दिखाती हूं, तो आ जाइए। सो यहां आपको मिलने वाला है कॉमन वॉशरूम, तो आप कॉमन वॉशरूम की झलक देख लीजिए।
सो है ना स्पेशियस कॉमन वॉशरूम, इसमें भी सैनिटरी फिटिंग नहीं हुई है बट ये हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम, यानी कि आपका ही घर होने वाला है ये, तो आ जाइए फर्स्ट बेडरूम दिखाती हूँ। फैमिलीज ये रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। जी हाँ, आपको तीनों ही बेडरूम से बालकनी अटैच मिलने वाली है, तीनों ही बेडरूम से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। किचन में आपको वेंटिलेशन मिल रहा है, गैलरी आपको स्पेशियस मिल रही है। ऐसा अमेजिंग फ्लैट कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ देखने से भी काम नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम था, आपने पूरा लुक देख लिया। दोनों साइड आपको मिनी वार्डरोब मिल रही है, आपको बालकनी अटैच, यानी कि आपकी फर्स्ट बालकनी होने वाली है। तो आज ही आपको दिखाई थी पूरी बालकनी। जो आपका एल टाइप का फ्लैट रहने वाला है और बालकनी आपको एल टाइप की मिलेगी, तो आ जाइए आप पूरी बालकनी देख सकते हैं हम यहाँ पर। ये पूरी बालकनी आपको यहाँ पे रहने वाली है, फर्स्ट बेडरूम से अटैच आपकी बालकनी है। अब मैं लेके चलती हूँ आपको सेकंड बेडरूम में, बट लेकिन उससे पहले आप इस बेडरूम की फ्लोर सीलिंग देखिए, देन आपको सेकंड बेडरूम दिखाती हूँ। तो फैमिली सोच यार जल्दी से आ जाओ सेकंड बेडरूम में। सो फैमिलीज ये है आपका सेकंड बेडरूम। देखिए फर्स्ट बेडरूम में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, बालकनी अटैच मिल रही है, सेकंड बेडरूम में भी आपको स्पेस मिल रहा है, बेड का लुक देख सकते हैं। और बेड के पीछे जो भी काम किया गया है ना, बहुत प्यारा काम आपको यहाँ पर मिल रहा है। इंटीरियर आपको बहुत प्यारा मिल रहा है, मोल्डिंग का डिजाइन मिल रहा है, अलग से कुछ भी खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा देख रहे हो बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेगा। अगेन इसमें यहाँ पर आपको बालकनी अटैच मिल रही है, तो आप इस रूम की बालकनी देख सकते हैं। तो कैसी लगी बालकनी, है ना बढ़िया? दोनों रूम से आपको बालकनी अटैच मिल रही है। अब जरा आप इस रूम के एक बार फ्लोर सीलिंग देखिए, देन आपको थर्ड बेडरूम दिखाती हूँ। तो चलिए फैमिलीज आई होप आपको पसंद आया, जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, अपने सजेशन जरूर दें, अगर कुछ भी आप कहना चाहते हो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर कहें। तो आ जाइए थर्ड बेडरूम दिखाती हूँ आपका। सो फैमिलीज ये रहने वाला है आपका अमेजिंग सा यहाँ पे थर्ड बेडरूम का लुक, और आप देख सकते हैं काफी अच्छा आपको स्पेशियस थर्ड बेडरूम यहाँ पर मिलने वाला है। पीछे आप देख सकते हैं अगेन आपको यहाँ पर मोल्डिंग का डिजाइन मिल रहा है। इस बेडरूम में एक तो मैंने आपको कॉमन वॉशरूम दिखाया था और एक यहाँ पर मिल रहा है आपको वॉशरूम बेडरूम से अटैच। आई होप यहाँ पर आपको अच्छा लगा। देखिए इस बेडरूम में बालकनी तो अटैच नहीं है, लेकिन वेंटिलेशन के लिए विंडो जरूर मिल रही है आपको। तो यानी कि तीनों ही बेडरूम से आपको यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है, एल टाइप का आपको फ्लैट मिल रहा है, मिनी सोसाइटी मिल रही है, गार्ड फैसिलिटी आपको मिल रही है, और साथ ही साथ टेरेस तक आपको यहाँ पर लिफ्ट मिल रही है। अब जरा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वार्डरोब के साथ ड्रेसिंग टेबल मिलने वाला है। सो यहाँ आपको वार्डरोब मिल जाएगी ग्रे कलर की, आप देख रहे हैं स्पेशियस रहने वाली है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब ड्रेसिंग टेबल देखिए, ड्रेसिंग टेबल का तीन ड्रॉर्स यहाँ पर आपको मिल रही है, देन मिरर आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो आई होप फैमिलीज आपको ये बेडरूम जरूर पसंद आया होगा। तो आप जरा एक बार आप इसकी फ्लोर सीलिंग देख लीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इस फ्लैट को खरीद सकते हैं। प्यारी प्यारी
प्यारी फैमिलीज, आई होप आपको ये फ्लैट जरूर पसंद आया होगा, इसलिए विजिट जरूर करना इस फ्लैट को, कि जितना आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा आप विजिट करेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको उसको एक्चुअल में इसका स्पेस समझ में आने वाला है, इंटीरियर समझ में आने वाला है, लोकेशन आपको समझ में आएगी, आसपास लोकेशन आपको काफी प्यारी मिल रही है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, डॉक्टर से लेके यहाँ पर आपको हर एक छोटी मोटी चीज के लिए जो नीड होती है एक फैमिली को, एक परिवार को, वो सारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, लिफ्ट, कार पार्किंग आपको मिल रही है, कॉमन टेरेस आपको मिल रहा है, एल टाइप का फ्लैट आपके लेकर आई हूँ, एक फ्लोर पे आपको यहाँ पर जो है 5 यूनिट मिलने वाली है, 2 BHK के ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सो फैमिलीज देरी मत करो, बहुत अच्छी डील के साथ होम्स फॉर सेल ले आया है आपके लिए द्वारका मोड़ जैसी लोकेशन पर, मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आके इस ऑफर को ग्रैब कर लो, 80-90% लोन आपको हो जाएगा, तो देरी मत करो, नीचे आपको कॉन्टेक्ट भेज दी गई है, जल्दी से कॉल कर लो, मैं गीतांजलि आपकी दोस्त आपको फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, बाय बाय, टेक केयर।